कृष्णा। आज हम बनाएंगे गुड़ केरी गुंदा गाजर और खारे का अचार। अब उनाड़ा की सीजन आ गई है अचार की, तो हम भी अचार बनाना शुरू करते हैं। चलो, हमने राजापुरी केरी को अच्छी तरह से छील कर छोटे छोटे पीसों में काट करके ले लिया है और 2 से 3 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है एक कटोरी में और 4 टेबलस्पून नमक डाल दिया है उसमें। और उस दोनों हल्दी पाउडर और नमक को अच्छी तरह से हम अब मिला देंगे। अच्छी तरह से मिल जाए उसके बाद हम केरी के पीस करके वो रखे हैं उसके अंदर डाल देंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसको अब हम ढककर एक रात के लिए रख छोड़ देंगे और बीच बीच में उसको थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे कि अच्छी तरह से हमारी केरी में नमक चढ़ जाए। इसके लिए आप देख सकते हो मैंने छोड़ दिया था एक रात के लिए, तो हमारी केरी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और उसके अंदर नमक भी अच्छी तरह से चढ़ गया है। तो अब हम एक कपड़े के ऊपर उसको रख देंगे सुखाने के लिए कि उसका पानी का भाग सूख जाए। इसीलिए इसी तरह से मैं सब छोड़ दिया है। तो गाजर को मैंने उसकी सीजन में काट के खांड की चाशनी में सुखोकर रख दिया था अचार डालने के लिए। तो उसको हम खट्टा पानी जो निकला है केरी में से वो पानी थोड़ा डाल देंगे उसके अंदर और उसको भी भिगोकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए कि हमारी गाजर की चीर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इसके लिए और मैंने गुंदा को भी वराड़ की मदद से बाफ कर ले लिया है। उसके अंदर भी मैंने अब हम गुंदे के बीच में से फाड़ा करके ठरिया निकाल लेंगे सब में से। इसी तरह से हम सब गुंदा में से ठरिया निकाल कर बाहर काट डाल देंगे। और उसके अंदर हल्दर और नमक का बनाया हुआ बीच में डालते जाएंगे। इसी तरह से हम सब गुंदा में कर लेंगे और इसी तरह से हम मिक्स करके उसमें भी खट्टा पानी डाल देंगे थोड़ा और उसको भी ढककर हम रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। अब हमारी केरी एकदम सूखकर तैयार हो गई है। तो अब हम केरी को भी निकाल लेंगे और गुंदा और गाजर को सुखाने के लिए रख देंगे। इसी तरह से हम गाजर को भी सुखाने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा गाजर और गुंदा नहीं सूख जाता तब तक हम उसको भी सुखा देंगे। इसके बाद मैंने सिंग तेल ऑयल ले लिया है, उसको पहले हम गरम कर लेंगे और गरम करके हम उसको ठंडा कर लेंगे।
और खारक मैंने ले ली है। खारक को मैंने बीजे निकाल कर दो भागों में काट लिया है और तैयार गुड़ करी का हाथी का मसाला आता है वो मैंने लिया है। तो हम ठंडा हो गया है हमारा ऑयल, तो उसके अंदर हम बोरा डाल देंगे। मैंने 1 किलो में 500 ग्राम बोरा लिया है, तो मुझे थोड़ा कम लगा था तो मैंने वापस भी डाला था थोड़ा, तो कम से कम मैंने 700 से 800 ग्राम बोरा लिया है, क्योंकि बोरा ज़्यादा होगा तो खाने में अच्छा लगता है इसीलिए। तो अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसको और उसके अंदर मैंने वरियाली पाउडर डाली है थोड़ा क्रश करके। अब हम सब मिक्स कर लेंगे और उसके अंदर अब हम जो खारक को पीस करके रखा था वो डाल देंगे। और उसको भी मिक्स कर लिया है मैंने, खारक के पीसों को भी। तो अब हम बूंदा और गाजर भी सूख कर तैयार हो गया है, तो उसको हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, गाजर केरी और बूंदा को। और हमारा बोरा भी अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो गया है। मैंने उसको भी एक नाइट के लिए बोरा को अगाव भिगो कर रख दिया था, तो उसके अंदर मैंने कोल्हापुरी गुड़ को छीन कर ले लिया है, तो वो भी डाल देंगे अच्छी तरह से। मैंने छीन कर लिया हुआ कोल्हापुरी गुड़ सब उसमें डाल दिया है और उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा गुड़ अच्छी तरह से एक रस ना हुए तब तक हमको उसको मिक्स करना है। मैंने थोड़ा मिक्स कर लिया है, तो अब हम उसमें केरी गाजर और गुंदा सब मिक्स करके सूख कर ले लिया है, तो वो भी उसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से वो सब डाल दिया है, तो उसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से हम हाथों की मदद से ही मिक्स कर सकते हैं, चमचा की मदद से अब मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्ड हो गया होता है इसीलिए। थोड़ा अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे गुड़ जब तक थोड़ा ढीला ना हो जाए तब तक। फिर अब मैं उसको अच्छी तरह से दबा कर रख दूंगी और कम से कम 4 से 5 दिन तक मैं उसको बाहर रखूंगी और थोड़े थोड़े टाइम में 4-5 घंटे में उसको हिलाती रहूंगी, तो हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इसके अंदर और हमारा अचार अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हो 4-5 दिन के बाद हमारा अचार कितना मस्त हो गया है, रसा भी इतना अच्छा हो गया है और गुड़ भी हमारा अच्छी तरह से पिघल गया है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में
सर्व कर लेंगे। और हम ये अचार पूरे साल में भी ऐसा ही रहेगा, उसका कलर भी चेंज नहीं होगा, कोल्हापुरी गुड़ डालोगे इसलिए। चलो फ्रेंड, हमारा अचार बनकर तैयार हो गया है। तो इस रेसिपी पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना भूले नहीं। और आप भी ज़रूर इस रेसिपी देखकर अचार बनाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अचार कैसा बना है। बाय बाय।